हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज समझते हैं कि जीएसटी कलेक्शन इस बार जो अप्रैल का महीना गया है तो जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई में पहुंच चुका है। अगर आप देखेंगे तो 1.41384 ट्रिलियन यानी कि 141384 करोड़, ठीक है, तो इतना पहुंच चुका है जो कि ऑल टाइम हाई है। अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो पिछले आपका जो 7 महीना है, अप्रैल को मिला के जो पिछले 7 महीना है, अक्टूबर से शुरू करके ये 1 लाख करोड़ से ऊपर कलेक्शन हो रहा है। हालांकि इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट और जीएसटी का जो जीएसटी वालों ने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी जगह पे छापा पड़ा है, जो जीएसटी कलेक्शन पे कुछ धांधलेबाजी हो रहा था या प्रॉब्लम्स हो रहा था वहाँ पे काफ़ी छापा देश भर में किया गया है। क्योंकि अगर आप अक्टूबर से पहले का देखेंगे तो अक्टूबर का पहले का अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अक्टूबर का पहले काफ़ी कम था। कंपेरेटिवली आप देखेंगे तो अक्टूबर से पहले काफ़ी कम था। यहाँ पे देखिए, अक्टूबर से पहले आपका सितंबर अगस्त जो आपका मेनली पीरियड था आपका कोरोना का, तो उस दौरान काफ़ी कम हुआ था जीएसटी कलेक्शन, जो कोरोना से पहले 1 लाख से ऊपर चल रहा था। बट इस पीरियड में आप देखेंगे कि 1 लाख से नीचे चला गया था। अप्रैल में बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन हुआ था, जो 32,172 था। फिर मई में थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, डबल हुआ था। फिर 90,000 के इर्द गिर्द 4 महीना रहा। फिर अक्टूबर से थोड़ा पिकअप लिया जो पुराना जितना आ रहा था, बट जो गवर्नमेंट के मुहिम के बाद वो कलेक्शन बढ़ता गया। और आप देखेंगे कि मार्च और अप्रैल में ये कलेक्शन काफ़ी बेहतर हुआ है और जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स है उससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। थोड़ा हम देखते हैं पिछले साल आप मार्च में अप्रैल में देखेंगे जो 20 के तुलना में हम इसको कर रहे हैं, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल, तो यहाँ पे देखिए 19 के दौरान आप देखेंगे कंटिन्यूअसली 1 लाख करोड़ के आसपास होता था। 19 के दौरान आप देखेंगे 19 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ देखेंगे आप 1 लाख करोड़ और 1,10,000 करोड़ के इर्द गिर्द आपका रह रहा था। 97-95 के आसपास तक भी कभी कभी आ जाता था। बट अब वहीं आप एज कंपेरिजन जो कोरोना पीरियड में थोड़ा सा आपका वेरिएशन हुआ था 5 महीना, तभी गवर्नमेंट ने काफ़ी उस समय एक्सपेंडिचर बढ़ा था बट कलेक्शन काफ़ी कम हुआ था। बट जो गवर्नमेंट ने उसमें रिकवरी किया है और आपका अप्रैल के महीने तक काफ़ी जो 2021 का अप्रैल का महीने तक काफ़ी बेहतर कलेक्शन हुआ है। तो आई थिंक जो ये छापामारी से ये कलेक्शन इस तरह से सस्टेन करेगा, क्योंकि जिन लोगों का जो कलेक्शन या अकाउंटिंग प्रोसीडियर था उसमें काफ़ी उन लोगों ने चेंज किया होगा, बहुत सारे छोटा बड़े कंपनीज़ ने, जिसके वजह से वो शायद जीएसटी बचा रहे थे डिफरेंट ट्रिक से, तो शायद ये कलेक्शन अभी सस्टेन करेगा और ये जो 1,30,000-40,000 का अभी आ रहा है और इसी बीच ऑलमोस्ट मंथली रहेगा आगे फ्यूचर में भी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।